नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अलग सुपर टेस्टी और इजी सा सुपर हेल्दी भी किनोआ जिसको बोलते हैं किनोआ का सलाद बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, किनोआ कुछ लोगों को तो पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा किनोआ क्या होता है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कैसा होता है किनोआ। और किनोआ ना हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं बताऊँ आपको, पूरा प्रोटीन से भरा रहता है, फाइबर से भरा रहता है। और ये ना किनोआ का तो आप बहुत सारे रेसिपी बना सकते हो किनोआ से अलग अलग रूप में। मेरे चैनल पे ये पहली रेसिपी जा रही है किनोआ का, वो भी सलाद के रूप में। मैं सलाद से शुरू कर रही हूँ और मेरे चैनल पे आगे किनोआ का और भी रेसिपी जाएगा, क्योंकि आप इसको ब्रेकफास्ट में कभी भी इसको बना करके इंजॉय कर सकते हो एकदम हेल्दी वे में। ये इतना फ़ायदेमंद होता है। मैं एकदम बारीकी आपको बताऊँगी इसको किस तरह से कुक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम कुक करते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं लगता। सबसे बड़ा टेंशन यही लगा रहता है कि हम कुक कैसे करना है। वो सब मैं एकदम डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। एकदम ध्यान से ये रेसिपी देखना। और वेट लॉस के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं आपको वेट लॉस करना है या कुछ हेल्दी खाना है तो किनोआ जो है एकदम बेस्ट ऑप्शन है। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने ले लिया है किनोआ, ये देखो 1 कप भर के लिया है। मेजरमेंट पर आप बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। ये 1 कप किनोआ रहेगा, 2 कप पानी लगेगा, इसमें परफेक्ट अंदाज़ होगा इसका। तो अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लेना है। अब हमें प्लेट में मैंने क्यों निकाला है आप लोगों को दिखाने के लिए, जिन लोगों को पता नहीं होगा किनोआ कैसा होता है देखने में। जैसे बाजरे का सीड नहीं होता है, कुछ उसी टाइप का है। देखो ध्यान से, कितना छोटा छोटा, जैसे ये सेसमी सीड नहीं होता है, ये देखो इस तरह का किनोआ होता है। अब इसको हमने 1 कप ले लिया है, ठीक है, ले लेंगे। जिसमें हमें कुक करना है वही बर्तन मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें डाल लूँगी और इसको कम से कम 3 से 4 पानी से हम वॉश कर लेंगे। ये देखो कितनी गंदगी निकल रही है इसमें से ना। तो ये बहुत छोटा सा होता है, थोड़ा धोने में दिक्कत होती है, पानी के ऊपर ज़्यादा तर आ जाता है। तो हम लेंगे ये छन्नी लेंगे, इससे हम इसको छान लेंगे तो कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं होगा, मतलब पानी के साथ निकल नहीं जाएगा। इस तरह से आप लोग भी करना, और भी पानी के साथ। मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि कैसे हमें इसको वॉश करना है। देखो कितनी गंदगी निकली है इसमें से। ये देखो धो के रेडी कर लिया है। अब इसमें हम इसी कप से, मैंने मापा है ये ग्लास मेरा 2 कप का है, 2 कप पानी डाल देंगे इसमें। और इसको अब हम गैस के ऊपर रख देते हैं। गैस के ऊपर रख दिया है, इसको हाई फ्लेम पर ना एक बार हम एक बॉयल आने देते हैं, कवर कर देंगे। बॉयल आने के बाद फिर मीडियम लो फ्लेम पे इसको 12 से 15 मिनट लगता है इसको कुक होने में, ठीक है। मध्यम आंच पे इसको हमें कुक करना है। इसमें बॉयल आने लगा है, ये देखो। अब मैं फ्लेम को मीडियम पे करके एक बार इसको मिक्स कर देंगे और इसको पकने के लिए अब हम छोड़ देते हैं। बीच बीच में इसको हम चेक करते रहेंगे ताकि ऊपर गिरे ना, मतलब बॉयल होके बाहर ना फैल जाए। यहाँ पर हमारा किनोआ पककर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखो, सीड जब लिया था किनोआ का एकदम वाइट वाइट दिख रहा था ना, कुक होने के बाद थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ गया है इस पर। और इसका पकने का अंदाज़ ये है, देख सकते हो एक वाइट वाइट थ्रेड जैसा दिख रहा होगा, अगर मैं ध्यान से दिख पा रहा होगा तो, वाइट वाइट थ्रेड जैसा दिख, एकदम मतलब ये अंदर तक एकदम अच्छे से कुक हो जाता है। और इस तरह से ये वाइट वाइट एकदम अलग सेपरेट दिखने लगता है। और इसको मैश करके देखेंगे ना, मैश करके अगर मैं देखेंगे तो ये बढ़िया एकदम पक गया है, ऐसी मैश हो रहा है। इसको हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं। अब इसको हम रख देते हैं साइड में, थोड़ा सा ये कूल डाउन हो जाए। सलाद जो है थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है, साइड में रख दिया। अब इसमें डालने के लिए मैंने क्या क्या लिया है और आप क्या क्या ले सकते हो। सलाद में आप जो जो चीज़ पसंद करते हो वो इसमें डाल सकते हो। और घर में हमारे सब लोग यही पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है ककड़ी, लिया है टमाटर, प्याज और 3 कली लहसुन का लिया है, और सिलांट्रो हरा धनिया लिया है, और नींबू का रस इसमें जाएगा, बाकी नमक और ब्लैक पेपर ये सब जाएगा। इस जगह पे ना
आप ले सकते हैं, बेल पेपर ले सकते हैं, आप जो ये चिक पीज आता है ना, ये काबुली चना, मटर, ये सब भिगा के बॉईल करके इसमें डाल सकते हैं, राजमा और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं आप, जो जो पसंद करते हैं वो इसमें एवोकाडो वगैरह भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ, इसको हमें काट लेना है। अब इसमें कम ज़्यादा मन मुताबिक अपने सब्जियों को इसमें डाल सकते हो, कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आता है, कोई चीज़ कम पसंद आता है, उस हिसाब से हमें डालना है। और इसके पीसेस जो हैं थोड़े से छोटे छोटे हम करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे। प्याज को देखो इतने बड़े बड़े पीसेस में मैंने काट लिया है। अब ऐसे ही हम अपना सारा ये काट करके रेडी कर लूँगी। ककुम्बर भी वैसे ही काट लेंगे। यहाँ पे मैं सब कुछ काट के एक साथ ही मिलाते जा रही हूँ, क्योंकि सलाद बनाना है, सब कुछ मिक्स करना ही है एक साथ में। ये सारा काट लिया, अब सिलांट्रो भी इसी में काट लेंगे। ये पूरा चॉपिंग डन हो गया है, अब इसको उठा के पूरा एक साथ ही हम किनोआ में डाल देंगे। अब हमें ऊपर से और क्या क्या डालना है, जो लहसुन लिया था इसको हम कद्दूकस कर लेंगे, या पेस्ट भी आप डाल सकते हो इसमें। लहसुन का फ्लेवर इसमें देना बहुत ज़रूरी होता है, इसका फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया लगता है। अगर मैं आप नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। इसमें अराउंड 2 टेबलस्पून जितना हम डालेंगे नींबू का रस, फ्रेश नींबू का रस। अब इसमें अराउंड 1/2 टीस्पून जितना हम डालेंगे क्रस्ट पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा कम ही डालना पहले ताकि टेस्ट करके, कम ज़्यादा हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसमें अराउंड 2 टेबलस्पून जितना मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल, सलाद का जान है ऑलिव ऑयल, बता दे रही हूँ। बहुत बढ़िया लगता है इससे ऑलिव ऑयल का फ्लेवर इसमें। अब बढ़िया इसको मिक्स कर देना है हमको। इसका किनवा का एक चीज़ और कर सकते हो आप, अगर मैं आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो इसकी अलग अलग आपको रेसिपी बनाकर खाना है ना, तो किनवा रोज़ रोज़ पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक बार पका के ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रिज में रख देंगे ना, तो 2 से 3 दिन तक आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। ये हमारा सलाद रेडी हो गया है, इसको सर्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखो 1 कप मैंने किनवा पकाया था ना, साइज़ में डबल हो जाता है। जैसे हम लोग राइस वगैरह नहीं पकाते हैं वैसे ये भी फूलता है काफ़ी। ये रहा हमारे किनोवा सलाद का एकदम फाइनल लुक। अगर मैं जो लोग हेल्दी खाना पसंद करते हैं ना, मैं बता रही हूँ वो इसको बार बार बना कर खाएँगे, एकदम अलग टेस्ट, एकदम अमेजिंग लग रहा है टेस्ट में, मैं बता नहीं सकती। अब इसको आप एक प्लेट भर के खा लो ना, मतलब इतना बड़ा प्लेट नहीं, छोटा वाला प्लेट की बात कर रही हूँ, सचमुच बता रही हूँ कि एकदम राहत मिल जाएगा पेट में और मन एकदम तृप्त हो जाएगा। इस तरह से आप लोग भी एकदम सुपर टेस्टी किनवा का सलाद बना करके इंजॉय कर सकते हैं। देखा आप लोगों ने कितना आसान होता है किनवा का सलाद बनाना। अच्छा, जिन लोगों ने कभी खाया नहीं होगा ना, ट्राई नहीं किया होगा ना, उन लोगों को ज़रूर ये इच्छा उमड़ रही होगी अंदर से कि टेस्ट में कैसा लगता होगा। सीरियसली बता रही हूँ, कोई भी चीज़ें पहली बार आप खाओगे थोड़ा सा उससे यूज्ड टू होना पड़ता है। मैं भी शायद एक आध बार आपको ना अच्छा लगे, 2 बार ना अच्छा लगे, लेकिन आप धीरे धीरे खाते रहेंगे ना तो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। एक अगर मैं नहीं खाए होंगे, खाने की इच्छा होगी तो एक बार ज़रूर बनाकर खाना, खाकर अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, जो नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।